गाइस आज मुझे मिल गया है एसिडिटी को जड़ से खत्म करने का रामबाण इलाज, वो भी ऐसा इलाज जिसके इस्तेमाल के बाद आप लोग सोचेंगे कि एसिडिटी होती क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि जब आप सब में से जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको जब एसिडिटी होती है तब आप क्या करते हैं? मैं आपको बताती हूँ, आप अपना आंसर कमेंट करना। आप लोग लेते हो या तो सोडा या गोली या कोई पाउडर जो आपको उस टेम्परेरी टाइम के लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, आपकी एसिडिटी को शांत करता है, आप काफ़ी बेटर फील करते हैं। लेकिन कभी आपने नोटिस करा है कि जैसे उसका असर कम होने लगता है और ख़त्म हो जाता है तो वापस से आपकी बॉडी प्रोड्यूस करने लगती है एसिडिटी लीकवर्ड सा, और वो लीकवर्ड जब आपके गले तक आता है, मुँह तक आता है, तो आपको खट्टी टिकारें, खट्टा पानी फील होता है या कभी खट्टी वॉमिट भी आ जाती है। तो ऐसे में आज आपको मैं ऐसे दो तरीके बताऊंगी आयुर्वेद में जिसका जिक्र किया गया है, जिसके इस्तेमाल के बाद आपकी एसिडिटी जड़ से खत्म होगी। लेकिन इन सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि एसिडिटी होती क्यों है। क्या आपको पता है, जब हमारे बॉडी में अग्नि जो है वो धीमी पड़ जाती है और पाचन क्रिया स्लो हो जाती है, तब हमारी बॉडी ज़्यादा एसिड रिलीज करती है, द्रव्य रिलीज करती है, लिक्विड हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो जो भी हम चीज़ें यानी पाउडर, सोडा, गोली जो ले रहे हैं, वो उस लिक्विड को डाइल्यूट करता है, ख़त्म नहीं करता, सिर्फ डाइल्यूट करता है। और जैसे उसकी डाइल्यूशन ख़त्म होने लगती है, उसका असर कम होने लगता है, वापस से आपकी बॉडी ज़्यादा तेज़ी से, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में आपका लिक्विड प्रोड्यूस करती है, यानी एसिडिटी को प्रोड्यूस करती है, जिससे आपको अपचन, गैस और आपके पेट में जलन, छाती में जलन, आपके ये सब समस्याएं आने लगती हैं। आपको लगता है वॉमिट आ जाएगा लेकिन आता नहीं है, आपका सर भी घूमने लगता है, आपका शरीर बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। और हमारी अगर पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं होती तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे बॉडी में, फैट बढ़ने लगता है, वसा इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि पाचन क्रिया जब अग्नि हमारी स्लो है तो चीज़ें हमारे बॉडी में जमने लग जाती हैं। तो आज के ये दो तरीके ना सिर्फ आपकी एसिडिटी को ख़त्म करेंगे बल्कि आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एसिडिटी की गोली लेना शुरू करते हैं और ज़िंदगी भर गोली लेते हैं। लेकिन आप अगर उस गोली का सेवन लंबे समय तक करते हैं तो फ्यूचर में आपको अल्सर और कैंसर जैसे रोग 101% होंगे ही होंगे। ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं जो डॉक्टर्स आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते, क्योंकि उनको होता है अपने लिए पैसा कमाना। ऐसे ही आप एडवर्टीजमेंट से अट्रैक्ट होके लेते हैं सोडा, जिसमें बहुत अच्छे फ्लेवर दिखाए जाते हैं, कोक फ्लेवर, पुदीना फ्लेवर, मिंट, जो भी चीज़ें होती है, अलग डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर दिखाए जाते हैं, और आप उन मार्केटिंग में आकर उनकी जो पैसा कमा रही हैं कंपनियाँ, उनकी अट्रैक्शन में आके वो चीज़ें खरीदते हैं और पीते रहते हैं। लेकिन अगर हम एसिडिटी को जड़ से ख़त्म कर दें तो ये सारी प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी, हम ज़िंदगी भर निरोग रह पाएंगे। तो चलिए जानते हैं वो क्या हैं दो तरीके, उनको कैसे इस्तेमाल करना है और क्या हैं उनके फ़ायदे। अब हम बात करेंगे पहले नुस्खे के बारे में, जिसके लिए हमें लेना है सौंठ। सौंठ जानती हूँ आपके माइंड में क्लिक करा होगा क्वेश्चन कि गर्म होती है, लेकिन अगर सही क्वांटिटी में उसको लिया जाए तो आपके शरीर के लिए उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद कोई चीज़ ही नहीं है। कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ उसके फायदे बताना जरूर चाहूंगी। सौंठ में होता है कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपके जोड़ों के दर्द, गठिया के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप सौंठ का इस्तेमाल, जैसे मैं बताऊंगी, इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ ये आपकी एसिडिटी को जड़ से ख़त्म करेगा, आपके जोड़ों का दर्द, गठिया भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये आपके बालों के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, इससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। अगर आप भी मौसम बदलते ही सर्दी, जुकाम या बुखार के शिकार हो जाते हैं तो जब आप इसका सेवन करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही बढ़िया हो चुका है। इसके साथ साथ आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी, आपको कभी भी जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ गया है वो नहीं बढ़ेगा, मतलब आप एकदम परफेक्ट फाइन रहना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद एक चम्मच आंवला पाउडर और उसमें डालना है 2 से 3 चुटकी सौंठ। आंवला पाउडर तो आपको पता ही है हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है, आपकी पाचन क्रिया को अच्छा रखता है, आपकी आंखों को रोशनी देता है यानी स्ट्रेंथ देता है, अगर आपकी आईसाइट वीक हो रही है तो आपकी वो वीकनेस खत्म होती है, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाता है और आपकी पाचन क्रिया को बहुत ही बढ़िया रखता है। तो एक चम्मच आंवला पाउडर और उसमें 2 से 3 चुटकी बस सौंठ, इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करके आपको कोसे पानी से यानी लुकवॉर्म वाटर से इनटेक करना है।
ऐसा आप रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद करें और फिर देखें कि एसिडिटी क्या होती है, पूछते रह जाओगे। अगर ये तरीका आप एक महीने तक कर चुके हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी को एक चीज की कभी भी हैबिट नहीं होनी चाहिए। हमारी बॉडी बहुत ही खराब चीज है, जिस चीज की हैबिट डाल दो ना तो असर करना बंद कर देती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, हफ्ते बाद आपने इस ट्रीटमेंट को रिप्लेस कर देना है दूसरी चीज से। तो दूसरे नुस्खे के लिए आपने क्या लेना है, इतने साइज की अदरक, और इसको आपने सेंधा नमक के साथ खा लेना है खाना खाने से आधा घंटा पहले। वो था खाना खाने के आधा घंटा बाद और ये है खाना खाने से आधा घंटा पहले। ये आपके डाइजेशन को बूस्ट रखेगा, आपके बॉडी में जितना भी वसा इकट्ठा हो गया है ये दोनों चीजें उसको पिघलाने का काम करेगी। क्योंकि जब आपका डाइजेशन वीक होता है तो आपका बॉडी फैट टायर्स बनने लगते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी वसा को फैट को बहुत अच्छे तरीके से कट कर रही है और आप पहले से बहुत अच्छा लाइट और हेल्दी फील करेंगे। तो आई होप कि आपको मेरे ये दोनों तरीके बेहद पसंद आए होंगे। मैंने आपको टाइमिंग्स के साथ आपको कैसे रोटेशन वाइज चलना है सब बताया है। जिनको डायबिटीज़ है वो भी इस चीज़ को ज़रूर इनटेक करें, उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी, बीपी कंट्रोल रहेगा। यार एक वीडियो में आपको हर चीज़ मिल गई, वज़न कम हो गया, हर चीज़ हो गई, आपका एसिडिटी की समस्या ख़त्म हो गई, इम्यून बढ़ गया, डाइजेशन बढ़िया हो गया, तो और क्या चाहिए। बस इसके लिए आपसे दो चीज़ें मांगती हूँ, हमेशा याद रखा करो, दो नहीं बल्कि तीन चीज़ें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, तीनों चीजें करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।